नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इलेक्शन पल्स मध्य प्रदेश चुनाव। क्या नाम है आपका और क्या वोट डालती हैं? अर्चना नाम है, वोट भी डालते हैं। अभी तक तो नहीं डाला, फर्स्ट टाइम है। वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। मुन्नी भाई क्या बोला? मेरा नाम प्रियंका कलोशिया है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं सागर नरियाली विधानसभा का बिलोंग करता हूं और मैं हमेशा वोट डालता हूं। जी मेरा नाम लीलाबाई चावरिया, मैं पटेल नगर में रहती हूं, वार्ड नंबर 11 और वोट डालती हूं मैं। रीना चावला जी, जी डालते हैं ना वोट मैडम जी। यहां पे जब से शादी हुई जब से डाल रहे वोट। मेरा नाम सृष्टि चावरिया है, मैं रायसेन वार्ड नंबर 11 में रहती हूं। मैं रायसेन क्षेत्र का रहने वाला हूं, कमलेश गोदरे मेरा नाम है। मेरा रोशनी कलोशिया नाम है। मेरा नाम लक्ष्मी वाल्मीकि है और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूं मैम। मध्य प्रदेश चुनाव में ऐसा खास है कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 दिनों तक, जी हाँ 10 दिनों तक बांधे रखा। रोड शो से लेकर रैलियों से लेकर लगातार प्रचार में बने रहे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से सीन से गायब रहे और निश्चित तौर पर इसकी बहुत ठोस वजह होगी और इसकी वजह टटोलने के लिए हम मौजूद हैं रायसेन में। रायसेन में जिस तरह से माहौल है और ठीक चुनाव से पहले, आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे जमीनी सवाल हैं जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से तो गायब हैं, यानी राजनीतिक चर्चा से तो गायब हैं, लेकिन लोगों को मत रहे हैं। इनकी पड़ताल बहुत जरूरी है और साथ ही साथ यह देखना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसा खास क्या है, यहाँ की राजनीति में पॉलिटिक्स में ऐसा खास क्या है कि यहाँ पर राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा नहीं बना। यहाँ पर कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सबको बात करनी पड़ रही है जन कल्याण की। मोदी जी भी बात कर रहे हैं नौकरियों की, मोदी जी भी बात कर रहे हैं कि वो महिलाओं को क्या देंगे, शिवराज की लाडली योजना तो है ही, और कांग्रेस कमलनाथ राहुल गांधी भी लगातार कैंपेन मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के ये चुनाव बहुत खास हैं क्योंकि यहाँ से ही मोदी जी का 2024 का रास्ता खुलता है। क्योंकि हमेशा इन्होंने कई वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता जो है अब बदलाव के मूड में है। बदलाव यानी भाजपा बाहर या शिवराज बाहर? वो तो भाजपा बाहर करने के मूड में है। हमें तो कांग्रेस पार्टी पसंद है। कांग्रेस ने अपने लिए जो कुछ किया अभी तक कांग्रेस ने ही किया है। बीजेपी वालों ने तो महंगाई बढ़ाई है, अभी तक ना नौकरियां निकाली ना कुछ करा हैगा। असली मुद्दे जे है मैडम, क्या पेमेंट बढ़ती नहीं है हम लोगों की। सवेरे 7 बजे से निकलते हैं, वही अभी आया हूँ मैं 3 बजे। तनख्वाह वो ही 10-12 हजार रुपये, उससे क्या घर नहीं चलता है। है पेंशन जो थी, जो पेंशन थी वो भी बंद कर दी सरकार ने। कहीं कहीं की जगह राजस्थान में, कहाँ कहाँ पे दिल्ली में लागू हो गई, मगर हमारे मध्य प्रदेश में अभी लागू नहीं हुई। लाडली जी कितना बचाएंगी शिवराज जी को, क्योंकि 1250 रुपए बहुत मायने होते हैं और राखी से अभी तक, मतलब 6 महीने हो ही गए, राखी में उन्होंने और बढ़ा दिया, तो महिला वोट तो छप्पर फाड़ के पड़ेगा। 1250 रुपया मध्य प्रदेश में महिलाओं को मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर कई महिलाएं जो है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। बाकी बहुत कम महिलाओं को ये पैसा मिल पा रहा है, जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा है, और वो बीजेपी के जो सपोर्टर थे वो महिलाओं के मन में भी है कि हम इतने साल तक बीजेपी को वोट देते रहे परंतु मुझे वो 1250 नहीं मिल रहे हैं, तो वो वोट भी जो है नेगेटिव हो रही है, इसलिए ज़्यादा तो फायदा इस योजना से नहीं मिलने वाला। आज 20 साल हो गई हमारी शादी हुई, अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला सरकारी योजना। 20 साल से शिवराज जी हैं यहाँ पर। हाँ। वो बोल रहे हैं औरतों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। कुछ भी नहीं करा अभी हमारे का, सिर्फ अभी 2-3 महीने से बस 1000 रुपया आ रहा है, बस वो ही आ रहा है। इसके अलावा कोई भी योजना नहीं मिली हमारे लिए, ना हमारे बच्चों को मिली, ना हमें मिली, ना हमारे पति को मिली। मजदूरी करते हैं खुली, और खुली मजदूरी कभी मिलती कभी नहीं मिलती। मैम मेरे ये मुद्दे हैं कि बेरोजगारों को पहले तो रोजगार होना चाहिए, और जो हमारे सदस्य हैं यानी कि उनको मूलभूत सुविधाओं की यानी कि पूर्ति होना चाहिए, उनके लिए रोजगार लाना चाहिए। इस बार क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने में? महंगाई रहेगा, नौकरी रहेगा, लाडली बहन रहेगा, क्या रहेगा? नौकरी रहेगी। इस बार तो सोच रहा है कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई ज्यादा है।
महंगाई ज्यादा है, वो तो कह रहे हैं हम बहुत सस्ता करके दे रहे हैं सबको। कहाँ का सस्ता, महंगाई तो बढ़ा रहे हैं, उधर कर पैसे कम करते इधर बढ़ा देते हैं कहीं गैस टंकी। क्या आपके मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, नौकरी है या लाडली योजना से आपको फायदा है, क्या आपको लगता है कि क्या मुद्दा आपका है? महंगाई तो बहुत हो मैडम जी, अपन सब्जी भाजी से सबसे परेशान हो रहे हैं, बहुत गरीब इंसान अगर इतनी महंगाई हो जाएगा तो क्या लेके खा पाएगा मैडम जी, और यही हालात रहेंगे तो फिर बेचारे गरीब तो आधे से ज्यादा भूखे प्यासे मर जाएंगे। आपको क्या लाडली योजना से फायदा मिल रहा है, 1250 रुपए जो मिलते हैं? नहीं मिल रहे मैडम जी। आपका नाम नहीं है उसमें? नहीं मैडम जी। उनका कहना है मैडम जी कि हम लखपति हैं, हमारे घर में सब कुछ है, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है मैडम। माहौल के हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि वोट दूं ही ना किसी को, क्योंकि सबका यही चलता है कि बीजेपी मतलब अपने थ्रू पैसे देना, लाडली बहनों को पैसे दे रही है, किसी को घर दे रही है, दे रही, सब वोटिंग के टाइम चलता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। कांग्रेस का भी वही हाल है, अभी उन्होंने बोला है कि पैसे देंगे 1500 रुपए का, लेकिन वो जीतने के बाद देंगे, उनका ये है। तो बस वोटिंग के टाइम सब आएगा, बाकी सब क्लोज हो जाएगा। और युवा के लिए ये है कि अभी मतलब जो ST SC वाले उनको बिल्कुल दबा देते हैं, जो पंडित हैं, जो OBC में आते हैं, जनरल में आते हैं, उनको उनकी सीट पहले से बुक हो जाती है कि हाँ इनके लिए ये करना है वो करना है, उनकी पहले से रिजर्व रहती है। बाकी ST SC वालों का कुछ वो नहीं है, वो कितना ही पढ़ लें, कितने अच्छे मार्क्स ले आए, उनको दबा देते हैं, बस यही। इस बार पैसे भी तो दे रहे हो, लाडली में भी तो आपको पैसा मिला होगा 1250 रुपए। हमें तो यानी कच्ची नहीं मिल रहा, मिल व्यवहार में मिल रहा है, हमें तो हमारे घर बार में कोई नहीं मिल रहा है, हमारी बहू नहीं मिल रहा कच्ची हुई, नहीं हमारे जो राशन कार्ड आटा है, नहीं हमें 2 रुपया कोई मिल रहा, नहीं हमें मिल रहा है, नहीं हमारी बहू। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और उसमें जो वादे किए थे, रोजगार का वादा था, नौकरियों का वादा था, और ये सब उन्होंने कुछ सफल नहीं हुई। चर्चा जाएगी अपन तो हम पंजे ये देश चाहे हारे बिचारो चाहे जीते, वो लोग तो लालच देते हैं, बस यही है, वोट मिल जाते हैं उनको जीत जाते हैं तो फिर हर चीज बंद कर देते हैं। वोटों के टाइम पे तो सब बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद कोई नहीं आता, पूछता भी नहीं है कि तुम्हारे को कुछ चीज की जरूरत है कि नहीं है, नौकरियों की जरूरत है कि नहीं है, नौकरियों का चे जाओ तो नौकरियां भी नहीं मिलती। वोट में प्रचार तो चल रहा है, सब लोग बोल भी रहे हैं वोट दो, लेकिन कुछ हो भी तो वोट तो देते हैं, जीत जाते हैं तो फिर वही पहले कुछ करते हैं और बाद में कुछ करते हैं वो लोग। एक बात और ये चुनाव याद दिला रहे हैं, और इनकी धमक निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगी, कि राम मंदिर के बरक्स यहाँ लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से 500 रुपए का नोट लेकर जाकर कुछ भी, यहाँ तक कि सब्जियां कायदे की नहीं खरीद पाते, और रसोई गैस निश्चित तौर पर मुद्दा है। यह मुद्दा कामगारों के बीच में है, मेहनतकश जनता के बीच में है, उन लोगों के बीच में है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। मोदी जी ने कई जो वादे किए, स्मार्ट सिटी भी एक वादा था उसमें, परंतु वो स्मार्ट सिटी पे भी काम नहीं हुआ, क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि शिवराज मामा भी वही बात बोलते हैं, और मोदी जी ने जो चीजें बोली वो बहुत पूरी नहीं हुई, तो लोग बाग सोच रहे हैं हमको बदलना पड़ेगा। आपके शिवराज जी भी तो काफी वादे दे रहे हैं, लाडली योजना, रसोई गैस कम कर देंगे, वो दे रहे हैं मगर है ना सभी को नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ वादे ही कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ ना कुछ मिला अभी तक, आप पार्टी चेंज करके भी तो देखें जरा। अच्छा अभी तक तो उन्हें ही दिया हैगा। अच्छा अभी तक आप भाजपा को दे रहे थे? हाँ, अब पार्टी चेंज करके देखें जरा आगे क्या होगा। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा है आपके लिए? हाँ, महंगाई सबसे ज्यादा है, महंगाई कमर तोड़े दे रही है महंगाई। अभी आप बाजार में 5 रुपए लेके जाइए, पता नहीं पड़ता 5 रुपए कितनी देर में चले गए, झोला ही नहीं भरा था, 3 सामान आते बहुत से बहुत, बस हरी सब्जी बस और कुछ नहीं। इसी बीच कई वीडियो भी आ रहे हैं, मोदी जी के मंत्री जी जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे का वीडियो आया नरेंद्र सिंह तोमर का, तो लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यदि विपक्षियों के ऊपर ये मामला आता है तो हमारी जो एजेंसी है एकदम सक्रिय रूप से काम करती हैं, तो मोदी जी को भी जो है यदि कोई मामला आया है उसके ऊपर एकदम संज्ञान लेना चाहिए, जिससे देश में उनकी एक छवि अलग बने। क्या इस बार लोग बोल रहे हैं कि बदलेगी, आपको लगता है बदलेगी? अब मैडम बदलेगी तो जरूर, क्योंकि अब महंगाई देखते हुए क्या
हर पब्लिक यही चिल्ला रही है, है? बदलेगी बदलेगी। दो बच्चे हैं और कुछ भी नहीं हमारे पास, तो जो झोंपड़ी में ले रहा है वो झोंपड़ी पड़ी हमारी इधर जरा सी। तो वो जो मकान वाले हैं 2.5 लाख वो आपको नहीं मिले? नहीं मिले बिल्कुल, कोई एक भी लाभ नहीं मिला हमें सरकारी कोई भी लाभ। पार्टी का नाम कांग्रेस वालों को ज्यादा चल रहा है। अच्छा, क्या कोई खास कारण? शिवराज जी 20 साल से रहे हैं, कुछ कारण है? अब कारण का अब जनता ही है जे का चुका है कारण, अब जनता देते सुविधा तो जनता ने पलटती, अब जनता सुविधा न दही जनता पलटन लगी कांग्रेस और का। अभी नोटबंदी में पिछले साल में कई किसानों को मरण मारा गया, पीटा गया, लाइनें लगाई गई, ऐसे कई तरह के जो मुद्दे आए हैं समाज के सामने, उन मुद्दों से जनता में एक आक्रोश है सरकार के प्रति, ये झूठे वादे करते हैं। अभी तो जनता जो है बहुत साइलेंट रूप से देख रही है और वो जो है वोट की ताकत से इसका निर्णय करेगी। बच्चे उनको रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, सब ऐसी फालतू फिरते रहते हैं, कम से कम रोजगार भी तो होना चाहिए। सरकार ने लाभ तो बहुत कर दिए पर उनका लाभ भी तो मिलना चाहिए बच्चों को। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं, हर वोट डालते हैं, कोई सा एक भी वोट नहीं रुकता हमारा, राशन का हमारा एक वोट नहीं डाला, सारे वोट डालते हैं। कुछ भी योजना नहीं मिलती एक भी, अभी तक एक भी योजना नहीं मिली हमको। इस बार क्या माहौल है, आपका क्या मन है? योजना मिलने चाहिए हमको और क्या। वोट डालने का क्या मन है, कांग्रेस है बीजेपी है, क्या आपका मन है? सरकार बदल के भी आएगी अच्छी बात होगी, कम से कम हमको कुछ नहीं मिला तो मिलने तो चाहिए, जो मिलेगा तभी तो वो होएगा अपना कुछ। कांग्रेस आएगी वो भी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी है वो भी कुछ नहीं करती है हमारे लिए, और ज्यादा से ज्यादा तो कांग्रेस को ही आना चाहिए क्योंकि बीजेपी वाले एससी एसटी को नौकरियां नहीं देते हैं और दबा ही रहे हैं, और बहुत महंगाई भी है बीजेपी ने, बहुत महंगाई जीएसटी हर चीज पे जीएसटी लगा के देते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और हम लोगों के लिए हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं बट नौकरियां नहीं मिलती हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार आई और इन्होंने पिछले टाइम पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी उस गवर्नमेंट को बनने के बाद में इन्होंने खरीद फरोख करके सरकार को गिराई। ये जनता ने जिसको चुना था ये जनता के वोट का हनन इन्होंने किया है। इस बार जनता इनको बिल्कुल नहीं चाहती, और मोदी साहब तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जहाँ जाते हैं तो वो झूठे वादे ही करते हैं, कभी कहते हैं मैं मछुआरा था तो कभी कहते हैं मैं बॉर्डर पे गया था, और कभी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ तो चाय वाला हूँ, ये कहाँ कहाँ लोगों को बताएंगे। तो जनता इनको अच्छी तरह जानती है, झूठे वादे करने वाले प्रधानमंत्री हैं। बदलेगा इस बार कांग्रेस आएगी। अब बीजेपी को अपन ने 30 साल से वोट दिए, सब करा, उनने आज तक ना नौकरियां दी ना अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, कुछ नहीं, पढ़े लिखे इतने बच्चे नौकरी चाकरी कुछ नहीं है उनके लिए।